इलेक्ट्रिक पावर्स पढ़ते हैं आज। इलेक्ट्रिक पावर देखो, पावर का मतलब क्या हुआ, देखिए इलेक्ट्रिक पावर का मतलब ये हुआ, इसे ऐसे समझते हैं जैसे हमारे पास मान लीजिए दो लड़का है ए और बी। इस दो लड़के को एक काम करने को कहा गया, ठीक है। काम ये था कि मान लीजिए इसे ना रोटी खानी थी, ठीक, मान लीजिए काम था खाने का, और ये मान लीजिए पांच रोटी खाता है और इसे भी पांच रोटी खाना है, दोनों को सेम सेम रोटी खाना है, पांच रोटी। इस पांच रोटी को ये 10 मिनट में खाता है और ये 5 मिनट में खाता है, किसका पावर ज्यादा होगा? बी का। गुड। अगर हम तुमसे ये कहें कि अगर ये पांच रोटी, दूसरा केस मान लीजिए ये पांच रोटी 10 मिनट में खाता है और ये 3 रोटी 10 मिनट में खाता है, किसका पावर ज्यादा होगा? अब यहां पे दो बेसिस पे आपने पावर को एनालिसिस किया। पहला ये था कि कितना काम किया उन्होंने, सॉरी फर्स्ट ये केस था कि कितने समय में दोनों ने काम किया, मतलब सेम वर्क पांच ही रोटी खाने का काम इन्होंने 10 मिनट में किया और इन्होंने 5 मिनट में किया, तो जो जल्दी किया उसका पावर ज्यादा कहा आपने, मतलब ये हुआ कि जैसे वर्क दोनों का सेम था, वर्क दोनों का सेम था लेकिन इसे लगा ए 10 मिनट को और इसे लगा 5 मिनट, तो आपने कहा कि भाई इसका पावर, सॉरी बी का पावर ज्यादा होगा, समय उसी काम को करने में कम लगा है। सेकेंड केस आपने कहा कि वर्क अलग अलग है, समय सेम है, टाइम सेम है और वर्क अलग अलग है, तो जो ज्यादा काम उतने ही समय में करता है उसका पावर, इसका मतलब वर्क ज्यादा एट कॉन्स्टेंट टाइम पावर ज्यादा, वर्क कॉन्स्टेंट समय कम पावर ज्यादा। मतलब किसी भी मशीन हो या कोई भी चीज हो जिसका पावर दो फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, एक कितना काम कर रहा है और कितने समय में कर रहा है, कितना काम कितने समय में कर रहा है, ये इसका पावर हुआ। दो मतलब पावर को देखना हो तो आप क्या देखेंगे कि कितना काम कितने समय में हो रहा है। एक और चीज अगर मान लो यहीं पे हम तुमसे ये पूछे, ये तो हुआ कि ज्यादा पावर कम पावर का मतलब, ऐसे समझने के लिए अगर तुमसे हम ये कहें कि ए और बी 10 रोटी मान लो 10 मिनट में खाया, ठीक है, ये मान लो 6 रोटी 3 मिनट में खाया, ऐसे तो बताओ इसका पावर कितना है, ऐसे कॉमन सेंस, कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना है, कॉमन सेंस बताओ इसका पावर कितना है, इसका पावर कितना है, इसका पावर 1 इसका पावर 2 कहोगे। क्या आपने कोई फॉर्मूला यूज किया? ना, बुद्धि विवेक जो भगवान ने दिया उसी का उपयोग किया और यही पावर का फॉर्मूला होता है। अभी आपने क्या किया है, कितना वर्क कितने समय में हुआ, मतलब सोचा है ऐसे कि पावर को कैसे एनालिसिस किया जाए, कितना वर्क कितने टाइम में होता है, वही होता है पावर, कितना वर्क कितने टाइम में हुआ है, और इसी को कहा जाता है रेट ऑफ डूइंग वर्क डन।
किसी भी काम को करने का रेट क्या होता है, किस रेट से कोई भी काम किया जाता है, उसी को हम लोग उस इंजन का, उस मशीन का, उस अप्लायंस का पावर कहते हैं। कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस, कोई भी मशीन, कोई भी अप्लायंस का पावर का मतलब ये होता है कि वो किसी पर्टिकुलर वर्क को, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो या मैकेनिकल वर्क हो, कोई भी वर्क को कितने समय में करता है, मतलब वर्क डन पर यूनिट टाइम, इसी को हम लोग उस मशीन का पावर कहते हैं। थोड़ा बहुत पावर को फील कर पाए, ठीक है सर। तो अब पावर को लिखेंगे, इलेक्ट्रिक पावर हुआ, डिफिनेशन के क्या बन जाएगा इसका? नहीं, इलेक्ट्रिक पावर क्या हो जाएगा? द रेट ऑफ डूइंग। अब यहां पे देखो कौन सा वर्क डन होगा? इलेक्ट्रिक वर्क डन, क्योंकि यहां पे पावर कौन सा है? इलेक्ट्रिक पावर है, तो वर्क भी इलेक्ट्रिक होगा। द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क डन, नहीं मतलब आप ये कह सकते हैं पर यूनिट, मतलब रेट, मतलब ये हुआ, आप ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम, मतलब रेट, वही हुआ। तो इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू इलेक्ट्रिक वर्क बाय टाइम, मींस पावर को अगर हम पी से डिनोट करें, वर्क को डब्ल्यू से टी, ये हो गया आपका पावर का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला हो गया, रेट ऑफ डूइंग वर्क डन, नहीं क्लियर। अब यहां पे अगर हम इसके यूनिट को देखें, एसआई यूनिट की बात करें, तो जरा ध्यान से देखो, वर्क का क्या होता है? जूल, और इसका होता है सेकेंड, तो इसे इसका एसआई यूनिट हो जाएगा जूल पर सेकेंड, इसे ही कहा जाता है वॉट, ठीक है, जूल पर सेकेंड को ही वॉट के यहां कहा जाता है, डब्ल्यू ए टी टी, ठीक है। सिंबल में W यूज करेंगे, कैपिटल सिंबल में W कैपिटल यूज करेंगे, तो वॉट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर, नहीं वॉट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर, याद रहेगा। अब यहां पे एक और टर्म आता है कि कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, मान लो उसका पावर 1 वॉट है, इसका क्या मतलब हुआ? जरा ध्यान से समझो, तो समझिएगा, पावर का फॉर्मूला आपके पास क्या है? W बाय टी। अगर मान लो कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस 1 जूल का वर्क, समझना 1 जूल इलेक्ट्रिक वर्क 1 सेकेंड में करता हो, तो उसका पावर 1 वॉट होगा ना। फिर से सुनिए, अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस 1 जूल का वर्क 1 सेकेंड में करे, इसका मतलब उसका पावर 1 वॉट होगा, क्लियर है। 1 वॉट इलेक्ट्रिक पावर का मतलब, अगर कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस 1 जूल का वर्क 1 सेकेंड में करता है, उसका पावर 1 वॉट होगा। आइए 1 वॉट को डिफाइन करें, लिख लीजिए एक लाइन, द पावर ऑफ 1 वॉट इज अ रेट ऑफ वर्किंग 1 जूल पर सेकेंड, 1 जूल पर सेकेंड, दैट इज 1 वॉट इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड, 1 जूल पर सेकेंड। अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस 1 जूल इलेक्ट्रिक वर्क 1 सेकेंड में करता है, तो उसका पावर 1 वॉट होगा, क्लियर है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो बोलो, नहीं तो आगे बात करते हैं।
देखो पावर कर क्या रहा है, वर्क कौन सा, इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक वर्क करने का क्या मतलब हुआ, कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है वो इलेक्ट्रिक वर्क कर रहा है, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि देखो कहीं ना कहीं वर्क मतलब एनर्जी से रिलेटेड होता है, तो अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस वर्क कर रहा है इसका मतलब वो या तो इलेक्ट्रिक वर्क कर रहा है नहीं, और वो इलेक्ट्रिक वर्क करने के लिए वो एनर्जी लाता होगा ना कहीं से, कहीं कहीं ना कहीं से वो एनर्जी कंज्यूम करता होगा। तो आप जिस रेट से वर्क करोगे उसी रेट से एनर्जी भी तो कंज्यूम होगी नहीं। तो आप ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक पावर एक तरह से रेट ऑफ डूइंग वर्क डन है, ध्यान से सुनिए, इलेक्ट्रिक पावर रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क डन या रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम का रेट भी तो इलेक्ट्रिक पावर होगा, दोनों एक ही बात है कि नहीं है। आप जिस रेट से इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करेंगे उसी रेट से आप इलेक्ट्रिक पावर सॉरी इलेक्ट्रिक वर्क भी कर पाएंगे। इन शॉर्ट आप इलेक्ट्रिक पावर का दूसरा डेफिनेशन भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस जिस रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करता है उसी को हम लोग उसका इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। इसको और ज्यादा डिटेल्स में हम आपको समझाते हैं, पहले एक लाइन लिख लीजिए कि ऑन अदर हैंड इट इज द रेट, ऑन अदर हैंड पावर इलेक्ट्रिक पावर इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम, एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम। मतलब देखो इन शॉर्ट ये कह सकते हो रेट ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क डन बराबर ही होगा ना रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम ना, नहीं इलेक्ट्रिक वर्क डन का जो रेट होगा वही उसी रेट से इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम होगी। इसी बेसिस पे आप पावर को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि पावर क्या होता है, रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क डन, तो ये आप कह सकते हैं रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, दोनों एक ही बात को कहता है, बस कहने के हाँ लैंग्वेज अलग हो गए, दोनों एक ही चीज है, समझ गए। गुड, तो इस हिसाब से एग्जाम में जो आपको 1 वाट का डिफिनेशन लिखना है ये वाला लिखना है, ये वाला, ठीक है, एग्जाम में आपको ये वाला, दोनों डिफिनेशन एक ही चीज है। देखो अब इस डिफिनेशन से तुम्हें 1 वाट का एकदम एक्चुअल सेंस आ जाएगा। जैसे मान लो किसी बल्ब का पावर 1 वाट है, कोई इलेक्ट्रिकल बल्ब है उसका पावर 1 वाट है, इसका ये मतलब होता है कि वो उसे जब आप सोर्स सप्लाई दोगे प्रोवाइड करोगे तो वो क्या करेगा, 1 सेकेंड में 1 जूल इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करेगी, समझो बात को। मतलब ये हुआ कि ये नहीं बोलते हैं 10 वाट का बल्ब है, 100 वाट का बल्ब है, 9 वाट का बल्ब है, इसका ये मतलब होता है कि वो यूनिट सेकेंड में मतलब 1 सेकेंड में उतना जूल इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करती है। भाई इलेक्ट्रिक एनर्जी है तो वो जूल में आता होगा ना आपके पास, किलोवाट आवर आपने देखा होगा मीटर में लगा रहता है, एक्चुअल में वो जूल होता है, अभी कन्वर्जन हम लोग करेंगे। तो किसी भी अप्लायंस का अगर पावर जैसे मान लो 100 वाट है, कोई भी अप्लायंस है उसका पावर 100 वाट है, इसका ये मतलब हुआ कि ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस 1 सेकेंड में 100 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करती है, यही होता है उसका पावर। 1 सेकंड में वो जितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करेगी वही उसका पावर हो जाएगा,
नहीं समझे, 1 सेकंड में वो जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगी वही उसका पावर होगा। अगर किसी का पावर 1 वाट है, इसका ये मतलब हुआ कि वो 1 सेकंड में 1 जूल इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करती है। क्लियर है, डेफिनेशन क्लियर हुआ? आइए लिखते हैं इसे 1 वाट को। When an electrical appliance consumes electrical energy, at the rate of 1 joule per second, 1 joule per second, its power is said to be 1 watt. ठीक है, said to be 1 watt. अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस 1 सेकंड में 1 जूल इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंज्यूम करता है तो उसका पावर 1 वाट होगा। क्लियर है, समझ पाए? बोलिए सर, कोई दिक्कत? बहुत सुंदर। अब हमें है क्या कि पावर को कैलकुलेट कैसे करें, उसको किस किस फॉर्मूले की मदद से पावर को कैलकुलेट किया जा सकता है, आइए उसे देखते हैं। ठीक है, लगाएंगे हेडिंग बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर को कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन से फॉर्मूले हमें यूज करने हैं, आइए पहले समझेंगे फिर नोट करिएगा। समझ लेंगे क्योंकि आसान है, समझ लेंगे तो आप खुद भी देख सकते हैं, नहीं समझेंगे तो फिर आपको याद करना पड़ जाएगा। बस आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है जो अभी अभी आपने किया है, पावर क्या होता है, वर्क डन बाय टाइम होता है, बस इसी का उपयोग करेंगे काम खत्म। अभी अभी हमने सीखा है कि इलेक्ट्रिक पावर जो होगा वो वर्क डन बाय टाइम होगा, हाँ बिल्कुल। और आपको पता है स्टार्टिंग में कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता था, याद आ रहा है? मतलब यहाँ पे वर्क डन को वी क्यू लिख सकते हैं, बोलिए इसे यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो अब क्या हो जाएगा, पी बराबर वी क्यू बाय टी। जरा देखो तो क्यू बाय टी आ रहा है, क्या क्यू बाय टी जाना हुआ टर्म है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज पर यूनिट टाइम, करंट है ना, नहीं तो पावर इक्वल टू हो गया वी आई। आई क्यों? क्योंकि क्यू बराबर आई इक्वल टू क्यू बाय टी होता है। ये हो गया आपका वी आई पी फॉर्मूला, जैसा नाम वैसा काम, इसको हम लोग कहते हैं वी आई पी फॉर्मूला। सच में वी आई पी फॉर्मूला है, काफी सॉलिड फॉर्मूला है, ये काफी यूजफुल फॉर्मूला है, दिखने में बस लग रहा है छोटा सा लेकिन है ही सच में, ये फॉर्मूला याद रहेगा। इस फॉर्मूले का नाम आज से हम लोग वी आई पी फॉर्मूला लिखेंगे, वी आई पी, वी फॉर वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस, आई फॉर करेंट, इक्वल टू डाल करके रखिएगा, बोलेंगे हम लोग वी आई पी फॉर्मूला, याद रहेगा, नोट करिए फिर काम करते हैं आगे क्या करना है। ये पहला फॉर्मूला हुआ जिसकी मदद से आप पावर निकाल सकते हैं। देखो ये 1 सेकंड और, ये फॉर्मूला आपको किस में रिलेशन बताता है, रिलेशन बिटवीन वोल्टेज, पावर वोल्टेज एंड करेंट, एग्जाम में सवाल ऐसा आता है, डिराइव द रिलेशन बिटवीन पावर वोल्टेज एंड करेंट। ठीक है, रुको समझ ही लो फिर बाद में एक साथ छापना, तुम लोग छापने में टाइम उतना ही लेते हो, 2 लाइन रहे या 10 लाइन रहे। चलिए ये वी आई पी फॉर्मूला आ गया, फॉर्मूला नंबर 1।
अब देखो इसी बीआरटी फॉर्मूला को उठाते हैं और दो नए फॉर्मूले बनेंगे, ठीक है। आपको पता है P इक्वल टू वी आई। अब यहां पे हम किसी दोनों में से किसी एक को ओम्स लॉ की मदद से रिजॉल्व कर लेते हैं। क्या आपको ओम्स लॉ याद है, वी इक्वल टू आई आर? नहीं तो आप चाहो तो क्या करो, इस वी के जगह पे आई आर सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो आप क्या करिए, पी इक्वल टू नहीं, वी के जगह पे आई आर रख दीजिए और फिर से आई आ जाएगा। कुल मिला के ये हो गया आपका पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर। याद रखिए ये फॉर्मूला पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर काफी पॉपुलर है, इन तीनों में से सबसे ज्यादा पॉपुलर फॉर्मूला यही है, मतलब ज्यादा यूज होता है ये। हाँ सर, इन तीनों में सबसे ज्यादा ये यूज होता है, काफी ज्यादा। एक तो ये हो गया तुम्हारा सेकेंड नंबर का। अब एक और देखो, आपको पता है ये हुआ तुम्हारा दूसरा नंबर का फॉर्मूला। तीसरा नंबर में अभी अभी आपने P इक्वल टू वी आई किया, अब की बार आपने V को रिजॉल्व किया है ना, I को रिजॉल्व करिए। यहां से आप कह सकते हैं I इक्वल टू V बाय R, बोलो तो P इक्वल टू V को एज इट इज रहने दीजिए और I को आप V बाय R यूज करिए। तो जरा फॉर्मूला देखिए, तो V स्क्वायर बाय R हुआ, एक नया फॉर्मूला बना P इक्वल टू आपका V स्क्वायर बाय R। देखो ये फॉर्मूला आपको क्या बताएगा, रिलेशन बिटवीन पावर करंट एंड रेसिस्टेंस। अगर ये सवाल बोल के आए, आता ही कुछ ऐसा है, डिराइव द रिलेशन बिटवीन पावर करंट एंड रेसिस्टेंस। तो यहां तक पहुंचना है आपको वहां से, ठीक है। ज्यादातर तीनों कंबाइंड फॉर्म में आता है टोटल, और ये फॉर्मूला आपको बताएगा रिलेशन बिटवीन पावर वोल्टेज एंड रेसिस्टेंस। नोट कर लीजिए। ये कैसे हुआ, गिर गया था? अच्छा, नोट कर लीजिए। ये कभी कभी ये सवाल ऐसे वन लाइनर आ जाता है कि पावर वोल्टेज रेटिंग का क्या मतलब होता है। पावर वोल्टेज रेटिंग, किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस का पावर वोल्टेज रेटिंग का क्या मतलब होता है, समझिए। देखो ये बहुत ही टेक्निकल और सेंसिटिव टर्म है, अगर समय मिला तो डिस्कशन जरूर करेंगे इस पे, समझाइए रहे समझना। मान लो एक बल्ब है, समझो ठीक है, ये एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, मान लो इसका पावर रेटिंग है, सुनो इसका पावर रेटिंग या पावर वोल्टेज रेटिंग एक ही बात, पावर रेटिंग या पावर वोल्टेज रेटिंग। ये क्या पावर वोल्टेज रेटिंग होता क्या है, नहीं, ये पीवी रेटिंग का मतलब होता है कि इस बल्ब पे लिखा रहता है कि 100 वॉट 220 वोल्ट। समझो बात को, ऐसा आपने लिखा हुआ देखा होगा। इसका मतलब क्या होता है पता है, समझो, इसका मतलब ये है कि अगर इस बल्ब को, समझना, या 220 वोल्ट और 100 वॉट ऐसा कुछ लिखा रहता है कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, इसका यह मतलब होता है कि अगर इस बल्ब को 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दोगे ना, तो ये 100 जूल एनर्जी एक सेकंड में कंज्यूम करेगा। भाई 100 वाट पावर है, इसका क्या मतलब हुआ, 100 वाट पावर का मतलब 100 जूल वर्क या 100 जूल इलेक्ट्रिक एनर्जी वन सेकंड में कंज्यूम करेगी। अगर आप इस डिवाइस को जिसका पावर रेटिंग ये है, अगर आप उसे 220 वोल्ट दोगे ना, तो वो 100 जूल इलेक्ट्रिक एनर्जी एक सेकंड में कंज्यूम करेगी। अगर आप इसे 220 वोल्ट ना देके कम दो, तो तब इसका पावर 100 वाट नहीं ना होगा, तो क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ये चेंज नहीं होगा।
जैसे 10 वाट का बल्ब लाते हैं, 10 वाट का आप बल्ब लाते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब, तो उसका पावर कभी 10 वाट, कभी 15 वाट, कभी 25 वाट नहीं होता है, तो 10 वाट का 10 वाट ही रहता है। हाँ, 15 तो नहीं होगा, लेकिन 10 से कम भी होता है। इसका ये मतलब, अभी जस्ट सवाल करेंगे, देखो इसका मतलब ये हुआ कि इसका पावर 100 वाट तब होगा, हमेशा नहीं, सुनो, इसका पावर 100 वाट तब होगा जब इसे 220 वोल्ट दोगे। अगर 220 वोल्ट नहीं दोगे तो पावर 100 वाट इसका नहीं है। नहीं समझे बात को? नहीं समझे? ये देखो, इसका पावर 100 वाट हमेशा नहीं रहता है। आई बात समझ में? इसका पावर 100 वाट तब होगा जब इसे आप 220 वोल्ट दोगे। अगर आप 220 वोल्ट नहीं दे रहे हैं तो इसका पावर 100 वाट नहीं हो सकता। कितना होगा पता नहीं, कैलकुलेट करेंगे, कैसे देखेंगे। आई बात समझ में? ये इसका ये हो गया कि पावर इसका एक्टिवनेस, ये 100 वाट का एक्टिवनेस या 100 वाट पावर तब बनाएगा जब इसे सप्लाई आप 220 वोल्ट दोगे। आई बात समझ में? अगर आप 110 वोल्ट दिए तो, अगर आप वोल्टेज 110 वोल्ट दोगे तो पावर 25 वाट होगा। कैलकुलेट करेंगे, ये शॉर्टकट नहीं कि पावर इन्वर्सली डायरेक्टली आधा कर देंगे आधा हो जाता है, ऐसा नहीं, समझेंगे ये बात समझे। पावर वोल्टेज रेटिंग का मतलब पावर और वोल्टेज में संबंध समझ में आया? बिल्कुल, इसी को पहले लिखते हैं, वही एग्जांपल लेंगे, लिख लीजिए, यही बल्ब को एग्जांपल मान के लिख लेते हैं। अब पावर, पावर बोलो, पावर रेटिंग बोलो या पावर वोल्टेज रेटिंग बोलो, एक ही बात है, समझ गए? हाँ। अब पावर रेटिंग ऑफ, अब पावर रेटिंग ऑफ 100 वॉट्स ऑन अ, कोई भी इलेक्ट्रिकल बल्ब ले लो, ऑन अ इलेक्ट्रिक बल्ब मींस दैट इट विल कंज्यूम इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी एट द रेट ऑफ 100 जूल्स पर सेकेंड, 100 जूल पर सेकेंड। बात नहीं करेंगे, छापिए जल्दी इसको। ये रहा सवाल आपके स्क्रीन पर, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड, मतलब पावर रेटिंग इसका दे रखा है 220 वोल्ट एंड 100 वॉट व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट, the power consumed will be 100 watt, 75 watt, 50 watt, 25 watt. नोट कर लिया सवाल? समझते हैं, इसका आंसर 50 वाट नहीं होगा। हाँ, देखो हुआ क्या है, हमने कहा कि इस बल्ब का पावर 100 वाट तब ना होगा जब इसे 220 वोल्ट आप सप्लाई दोगे। अगर आप 110 वोल्ट सप्लाई दे रहे तो पावर इसका कुछ और होगा। ऐसा नहीं सोचना है कि आधा वोल्टेज हुआ है तो पावर भी आधा होगा, ऐसा रिलेशन कहीं भी नहीं है, समझ गए? हाँ, तो एक चीज है जो दोनों केस में सेम रहा है, क्या? उस बल्ब का रेसिस्टेंस, हाँ या ना बोलो, क्या
कम वोल्टेज या ज्यादा वोल्टेज देने से रेसिस्टेंस पे कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं, रेसिस्टेंस तो वही रहेगा। क्यों ना हम लोग रेसिस्टेंस निकाल लें। पहले केस में, केस वन में अगर हम बात करें, केस वन में जरा देखो तो पावर कितना है, 100 वाट का, जब वोल्टेज 220 हो। तो क्या हमें पावर वोल्टेज और रेसिस्टेंस में रिलेशन पता है? हाँ पता है, P इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। बोल लीजिए V का वैल्यू 22 है ना, बाय R कितना, सॉरी R तो निकालना है ना, तो R इक्वल टू वी स्क्वायर बाय P हो जाएगा। V 220 बाय P कितना, 100, 0 खत्म, तो 22 इंटू 22 इतना ओम आएगा, 484 क्या है, ठीक है, 484 ओम, कोई दिक्कत? क्या यही रेसिस्टेंस हमेशा रहेगा इस बल्ब का? जी हाँ, मतलब सेकेंड केस में भी हमारे पास जो रेसिस्टेंस होगा वो 484 ओम का ही होगा। अब इस रेसिस्टेंस वायर को समझिए, इस रेसिस्टेंस वायर को कितना वोल्टेज आपने दिया, 110 वोल्ट। पता कर लेते हैं पावर कितना होगा, P इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, वी का वैल्यू 110 बाय 484, सॉल्व करिएगा 25 वॉट आएगा। समझ पाए, क्लियर है? बहुत सुंदर, मिटा दें ना, ऐसा काहे। देखिए पावर का तीन फॉर्मूला आपके पास, एक तो VIP फॉर्मूला ना, VI, एक फॉर्मूला आपके पास है V स्क्वायर बाय R, और एक फॉर्मूला आपके पास है, गुड, तीनों फॉर्मूला, सॉरी तीनों फॉर्मूले का अपना अपना महत्व है, समझना। ये फॉर्मूला आप तब लगाएंगे, समझिए, ये फॉर्मूला तब आप यूज करेंगे, मतलब अगर मान लो रिलेशन, सुनो ध्यान से, अगर आपको पावर और रेसिस्टेंस में रिलेशन एस्टेब्लिश करना हो और वोल्टेज कांस्टेंट हो तो ये फॉर्मूला यूज करिए रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए। अगर आपके पास पावर और रेसिस्टेंस में रिलेशन एस्टेब्लिश करना हो और करेंट कॉन्स्टेंट है तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। कहां सर है, देखो आप बताइए, पैरेलल सर्किट में क्या सेम होता है, वोल्टेज कांस्टेंट होता है। इसका मतलब अगर डिवाइस समझना, अगर डिवाइस पैरेलली कनेक्ट होगा तो रेसिस्टेंस और पावर इनवर्सली रिलेशन एस्टेब्लिश होगा, मतलब पैरेलल में। अभी देंगे सवाल, नहीं बनेगा कुछ नहीं कर पाएंगे, और क्या कर सकते। तब देखो ना, अगर सर्किट में रेसिस्टेंस पैरेलली कनेक्ट होगा तो हमसे ये अगर पूछा जाए कि किसका पावर ज्यादा होगा, देखो ज्यादा पावर का मतलब होता है ज्यादा ब्राइटनेस, जिसका पावर जितना ज्यादा होगा ग्लोइंग कैपेसिटी उतनी ज्यादा होगी। तो बताइए पैरेलल में अगर रेसिस्टेंस जिसका कम होगा उसका पावर ज्यादा होगा पैरेलल में, लेकिन सीरीज में जिसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा वो ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा। आई बात समझ में, बोलो नरे, नहीं आया समझ में, गप करेगा तो कहां से आएगा, हाँ झूठी का। सुनो, देखो पावर का एक फॉर्मूला है वी स्क्वायर बाय आर, बोलो ये फॉर्मूला है ना। अगर हम तुम्हें ये कह दे कि एट कांस्टेंट, तुम लोग ना बिना लिखे को समझते, एट कांस्टेंट वोल्टेज तो वोल्टेज कांस्टेंट हो गया ना, पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस, नहीं हुआ रे? यस सर। मतलब जिसका रेसिस्टेंस ज्यादा उसका पावर कम न? यस सर। पहले कुछ और बोल रहे थे क्या, छुट्टा रहेगा, समझो इसका ये। अब बताओ वोल्टेज कांस्टेंट किस सर्किट में होता है, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं इन पैरेलल कॉम्बिनेशन की, जनरल में कोई भी कॉम्बिनेशन हो हमें उससे मतलब नहीं। अगर वोल्टेज कांस्टेंट है तो रेसिस्टेंस जिसका
पैरेलल कॉम्बिनेशन में जिस भी डिवाइस का रेसिस्टेंस ज्यादा होगा उसका पावर कम होगा, मतलब वो कम ग्लो करेगा, ग्लोइंग उसका ब्राइटनेस कम होगा। किसमें? पैरेलल में। पहली बात। दूसरी बात, पावर इक्वल टू आई स्क्वायर आर। बोलो, अगर हम एट फोर आई कांस्टेंट, अगर मान लो करंट कांस्टेंट हो जाए, करंट कांस्टेंट हो जाए, और ये जनरल होता कहाँ है? नानी गांव में, सीरीज में रे, सीरीज में करंट सबको सेम मिलता है। तो देखो ये कांस्टेंट हो गया, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस ने हो गया, मतलब जिसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा सीरीज में उसका पावर भी ज्यादा होगा। जिसका रेसिस्टेंस ज्यादा उसका पावर भी ज्यादा, जिसका रेसिस्टेंस कम उसका पावर भी कम। सीरीज में नहीं होता है, जिसका जो बहुत ज्यादा रेसिस्टेंस वाले बल्ब होते हैं वो बहुत ज्यादा ग्लो करता है सीरीज में। हाँ, ये बल्ब नहीं सुना है तब, नहीं देखा सीरीज कॉम्बिनेशन, तो आजकल ऐसे भी विलुप्त सा हो रहा है। परंतु सीरीज में जिसका रेसिस्टेंस ज्यादा होता है वो ज्यादा ग्लो करता है, समझा? हाँ, छापेगा, छापो। अगर मान लो तुमसे पूछा जाए विच बल्ब विल ग्लो ब्राइटर, विच बल्ब विल ग्लो ब्राइटर, एक बल्ब है, दो बल्ब है, तीन बल्ब है, इस बल्ब का पावर 100 वाट, इसका 50 वाट और इसका 25 वाट, 220 वोल्ट पर, 220 वोल्ट पर है ना, पैरेलल है, हे बतलो, सीरीज में है ये लाल लड़का सा, अभी तक पैरेलल सीरीज का ज्ञान नहीं हुआ है। क्या होगा आंसर? आए हाय हाय हाय, तुम्हें जो लगता है मैक्सिमम केस में वो होता नहीं है। अब देखो, अरे 100 वाट यानी गधा, 100 वाट इसका वोल्टेज पावर तब होता है जब इसका वोल्टेज 220 है। अब बताइए इसका वोल्टेज, इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज, तीनों का वोल्टेज मिला के ही 220 है, अकेला 220 का होगा? सबसे पहले इसका वोल्टेज ज्ञात करेंगे, रेसिस्टेंस ज्ञात करेंगे, वोल्टेज या रेसिस्टेंस। तो देखो अभी अभी तुमने सीखा था कि इसमें खासियत क्या है कि करंट सबका सेम हो जाएगा। अच्छा, तो किसी तरह बस ये पता कर लें कि किसका रेसिस्टेंस ज्यादा है। आई बात समझ में? काहे पावर ओवर के मोबाइल में फंसते हो, रेसिस्टेंस पता कर लो ना किसका ज्यादा है। सीरीज में जिसका ज्यादा रेसिस्टेंस वो ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा, ज्यादा बेटर होगा, समझा? अब रेसिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करें, फॉर्मूला है तुम्हारे पास, ये देखो, ये और एरे आर इक्वल, सिलेबस में नहीं है फिर भी पढ़ा रहे, समझा करो ना कुछ, पैसा देगा। देखो ए, इसका ओरिजिनल पावर पता है एट इस वोल्टेज पे, हम कह सकते हैं P1 बराबर ना वोल्टेज, अभी भाई इसका वोल्टेज सबका, और ये वोल्टेज निकाल लो, या हम ओरिजिनल भाई रेसिस्टेंस आप इस वोल्टेज पे निकालें या इस पे निकालें, रेसिस्टेंस तो वही रहेगा ना, इस वोल्टेज पे आप करंट फ्लो करवा के तब रेसिस्टेंस इसका निकालोगे, अदरवाइज ये ओरिजिनल रेसिस्टेंस तो इसी वोल्टेज पे होगा ना इसका। ए टी और वी वन कितना है? 220। तो क्या हम इसका आर निकाल लें? आर इक्वल टू क्या होता है? आर इक्वल टू वी स्क्वायर बाय पी, वी वन स्क्वायर बाय पी वन, गुड। पी टू कितना है? 50, सेम कहां से। वी टू कितना? 220। तो बताइए आर टू कितना आएगा? हाँ, वी टू स्क्वायर बाय पी टू, कोई दिक्कत? सॉल्व करें, बस लिख रहे हैं पी थ्री इक्वल टू 25, वी टू इक्वल टू 220 और आर थ्री इक्वल टू वी थ्री स्क्वायर बाय पी थ्री। एक बात सुनो, तुम लोग बोलोगे सर
वोल्टेज तो सबका आप 220 रख रहे हैं भाई, ये वो वोल्टेज रख रहे हैं जिस वोल्टेज पे इसका रेसिस्टेंस निकलता है ओरिजिनल वाला। नहीं, हम इस वोल्टेज का प्रयोग कर ही नहीं रहे, हमने तो बस सर्किट देखा सीरीज है, सीधा ओरिजिनल रेसिस्टेंस निकालने पे चले हम। समझ गए बात को? आप ये बताइए ऊपर में सब सेम है कि नहीं, बोलो। ऊपर में सारा सेम है तो नीचे वाला जो बड़ा उसका वैल्यू छोटा ना, नीचे वाला वैल्यू जो छोटा उसका वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ कि आपको पता है कि V1, V2, V3 बरोबर है, इसीलिए आप ये कह सकते हैं कि R1, R2 और R3 में, सुनो बताइए सबसे कम कौन है? नीचे वाला, अरे ऊपर वाला तो देखना ही है ना। R3 सबसे कम है, इसका मतलब बड़ा चीज सबसे छोटा से डिवाइड कर रहा है तो रिजल्ट बड़ा होगा कि छोटा? सबसे बड़ा। इसका मतलब किसका पावर सबसे ज्यादा होगा? नहीं, बिल्कुल, यानी कि आप ये कह सकते हैं तीसरा बल्ब, यानी कि थर्ड बल्ब। हाँ देखा रे, थर्ड बल्ब विल गिलो, हाँ देखा रे, 100 वाट वाला देख लिया, समझ गए? छापने का मन कर रहा है? नहीं नहीं, बहुत सुंदर बिठाते हैं। अगर यही सर्किट को हम पैरेलल डाल दें तो ये सवाल बनाना नहीं पड़ेगा, बुद्धि विवेक का प्रयोग करोगे तो मजे में रहोगे। 100 वाट 220 वोल्ट पे, 50 वाट 220 वोल्ट पे, 25 वाट 220 वोल्ट पे, है ना? बोलो, गुड। और भगवान की दया से ये सारे लोग किसमें कनेक्टेड हैं? पैरेलल में विथ 220 वोल्ट। बताइए विच बल्ब गो ग्लो ब्राइटेस्ट? देखो, देख के नहीं, विच बल्ब ग्लो है रे किस्मत रे गधा, दिख रहा है सबका पैरेलल है तो सबका वोल्टेज सेम नहीं होगा? सबको 220 मिल रहा है तो सीधा जिसका पावर ज्यादा होगा वो ज्यादा गिलो करेगा ना, यही तो होता है पैरेलल में। ये हाउस होल्ड जो सर्किट है तुम्हारा पैरेलल है, इसमें जो ज्यादा पावर का बल्ब होता है वो ज्यादा ग्लो करता है ना रे? नहीं करता है? क्यों? क्योंकि पैरेलल है। नहीं तो ये क्या होगा, 100 वाट का बल्ब? नहीं, 100 वाट बल्ब हाँ विल ग्लो ब्राइटर। समझ गए बात को? बहुत बहुत धन्यवाद, इतना तक रिवीजन करिए, मिलते हैं अगले क्लास में।